यही नियम कुदरत का रहता है, जिस खेत में हम कोई फसल नहीं उगाते हैं कुदरत उस खेत को घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह से अगर हम हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव विचारों को नहीं भरते हैं तो नेगेटिव विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं और यही नेगेटिविटी आगे चलकर हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को किसी ने उपहार में दो बाज के बच्चे भेंट किए। ये बहुत ही शानदार नस्ल के थे और राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज कभी नहीं देखे थे, तो इनकी देखभाल करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। कुछ समय कुछ महीने गुजर जाने के बाद एक दिन राजा का बाजों को देखने का मन किया, तो राजा वहां पहुंच गए जहां पर बाजों को पालने के लिए रखा गया था। राजा ने देखा अब दोनों ही बाज काफी बड़े हो चुके थे और पहले से भी शानदार लग रहे थे। तो राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों ही बाज उड़ान भरना शुरू कर देते हैं, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था वहीं दूसरा बाज जिस डाल से उसने उड़ना शुरू किया था उसी डाल पे वापस आकर बैठ जाता है। तो ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगता है। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भरता है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता। राजा ने उस व्यक्ति से सवाल किया, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, ये इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने राजा को जवाब दिया। राजा को दोनों ही बाज बहुत प्रिय थे और राजा दूसरे बाज को भी उसी तरह से उड़ता हुआ देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को भी ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसको ढेरों इनाम दिए जाएंगे। फिर क्या था, अगले दिन एक से बढ़कर एक विद्वान आए और उस बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था, वो जिस डाल से उड़ता उसी डाल पे आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ, राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिस व्यक्ति ने ये कारनामा कर दिखाया था। वो व्यक्ति एक किसान था। अगले ही दिन वो दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में सोने के सिक्के भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बस तुम मुझे ये बताओ जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिया। तो उसने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं, मुझे ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं आती, मैंने तो बस वो डाल काट दिया जिस डाल पर बैठने का बाज आदि हो चुका था, और जब अब वो डाल ही नहीं रही तो उसने भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार जो हम कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हमारी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की जो काबिलियत है उसी को हम भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से कोई इस तरह के काम में लगे हैं जो आपकी सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो आप भी एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं है जिस डाल पे आप बैठे हैं।